हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की काफ़ी महत्वपूर्ण पोयम माय हेवन नामक इस पोयम के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कुछ लाइन दी गई हैं, उनका देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले हम इसके हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे हमें कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने में कोई दिक्कत तो ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, पोयम का नाम है माई हेवन यानी मेरा स्वर्ग, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो कुछ लाइन्स हैं, पहले हम इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। वेयर माने होता है जहाँ, द माइंड वैसे मस्तिष्क या मन होता है, लेकिन यहाँ आप कहेंगे लोग, एज मतलब होते हों, विदाउट मतलब बगैर, फियर मतलब डर या भय। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ लोग भय मुक्त होते हों, अर्थात कहने का मतलब है जहाँ लोग भय मुक्त रहते हों, एंड और द हेड उनका मस्तक इज हेल्ड पकड़ा हुआ हो, हाई मतलब ऊंचा, एंड द हेड इज हेल्ड हाई और उनका सिर सम्मान से हमेशा ऊंचा होता हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ लोग भय मुक्त होते हों, अर्थात जहाँ लोग भय मुक्त रहते हों, एंड द हेड इज हेल्ड हाई और उनका सिर हमेशा शान से ऊंचा होता हो। वेयर मतलब जहाँ, नॉलेज मतलब शिक्षा, एज मतलब होती हो, फ्री मतलब स्वतंत्र। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ शिक्षा स्वतंत्र होती हो, अर्थात शिक्षा के प्रति कोई प्रतिबंध ना होता हो। तो फ्री का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि मुक्त में शिक्षा हो, बल्कि इसका मतलब है कि शिक्षा पर कोई प्रतिबंध ना होता हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ शिक्षा के प्रति कोई रोक टोक ना होती हो, अर्थात शिक्षा स्वतंत्र रूप से मिलती हो। वेयर द वर्ल्ड, वेयर मतलब जहाँ, द वर्ल्ड मतलब संसार, अर्थात यह भारत देश, हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा हुआ ना हो, हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा हुआ ना हो, फ्रैगमेंट इंटू मतलब में फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों टुकड़ों, इंटू मतलब में फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़ों टुकड़ों, वाई नैरो, वाई मतलब के द्वारा, नैरो मतलब तंग अर्थात कम चौड़ी यानी सकरी, डोमेस्टिक घरेलू वॉल्स मतलब दीवारें, तो घरेलू सकरी दीवारें या सकरी घरेलू दीवारें अर्थात जहाँ लोग जाति धर्म रंग रूप और भाषा के आधार पर विभाजित ना होते हों। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ भारत देश जाति धर्म रंग रूप भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना होता हो। तो फैक्ट्स पहले लिखते हैं हम इसका रेफरेंस, जैसे आप हिंदी में कहते हैं संदर्भ, रेफरेंस। तो आप लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, द पोएम माई हेवन, कॉमा में ही बंद कर देंगे फ्रेंड्स, यानी कि ये पंक्तियां माई हेवन नामक कविता से ली गई हैं, कंपोज्ड बाई रविंद्र नाथ टैगोर। तो आर एन लिख सकते हैं आप, रविंद्र नाथ टैगोर, और सिंगल कॉमा में ही आप बंद कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे फ्रेंड्स, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन, ये पंक्तियाँ माई हेवन नामक पोएम से ली गई हैं, कंपोज्ड बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट, जैसे आप हिंदी में कहते हैं प्रसंग। तो आपको इन पंक्तियों को पढ़कर पता चला है कि जो कवि हैं वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अर्थात एक अपील करते हैं, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स यानी इन पंक्तियों में द पोइट यानी कि कवि मेक्स एन अपील टू गॉड,
इन दीज लाइंस द पोएट मेक्स एन अपील टू गॉड, यानी इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से एक अपील करते हैं। एंड और एक्सप्रेसेज हिज डिजायर, हिज डिजायर फॉर फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, एंड एक्सप्रेसेज हिज डिजायर फॉर फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। तो इन दीज लाइन्स द पोएट मेक्स एन अपील टू गॉड, यानी इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से एक अपील करते हैं। एंड एक्सप्रेसेज हिज डिजायर फॉर फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए एक अपील करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन जैसे आप हिंदी में कहते हैं व्याख्या, तो इसे पढ़कर जो पता चला है पहले उन्हीं लाइन्स को लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे कि इन, यानी कि इन पंक्तियों में कवि भारत के लिए अपनी कामना को प्रकट करता है, यानी इच्छा करता है, और वह हमें बताता है कि उसका देश किस तरह का होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स यानी इन पंक्तियों में द पोएट यानी कि कवि द पोएट विशेज इच्छा करता है या कामना करता है फॉर इंडिया यानी भारत के लिए। इन दीज लाइन्स द पोएट विशेज फॉर इंडिया, यानी इन पंक्तियों में कवि भारत के लिए कामना करता है। एंड और ही मतलब वह टेल्स बताता है अस हम लोगों को, एंड ही टेल्स अस और हम लोगों को बताता है हाउ कि कैसे हिज कंट्री यानी उसका देश अर्थात भारत देश शुड बी लाइक। इतना आप इसके स्टार्टिंग में ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड ही टेल्स अस हाउ हिज कंट्री शुड बी लाइक, और वह हमें बताता है कि कैसा उसका देश होना चाहिए अर्थात किस प्रकार का भारत देश होना चाहिए। तो अब आप आगे लिखेंगे कि ही सेज या ही राइट्स, आप चाहें तो ही सेज ज़्यादा बेहतर रहेगा, दैट ही सेज दैट वह कहता है कि, क्या कहता है फ्रेंड्स, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ लोग वह मुक्त रहते हों। तो आप लिखेंगे ही सेज वह कहता है दैट के द पीपल ऑफ हिज कंट्री यानी उसके देश के लोग हिज कंट्री शुड बी फ्री यानी स्वतंत्र हों फ्री फ्रॉम फियर। तो पहली लाइन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ही सेज दैट वह कहता है कि द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, कि उसके देश के लोग भय से मुक्त होने चाहिए। इस लाइन में भी यही कहा गया है कि जहां लोग भय मुक्त रहते हों, तो आपने लिखा है कि उसके देश के लोग भय से मुक्त होने चाहिए। एंड तो फ्रेंड्स आप एंड ही लिख दें, द हेड इज हेल्ड हाई, उनके सिर ऊंचे उठे हुए हों। तो आप लिखेंगे देयर हेड्स यानी कि उनके सिर शुड भी होने चाहिए हेल्ड हाई यानी कि ऊंचे उठे होने चाहिए। किससे उठे होने चाहिए फ्रेंड्स, विद सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के साथ। तो देयर हेड शुड बी हेल्ड हाई विद सेल्फ रेस्पेक्ट, और उनके सिर आत्मसम्मान के साथ ऊंचे उठे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स जो कवि ने कहा है इन दो लाइन के माध्यम से, हमने उन्हीं दो लाइन को यहाँ अपने शब्दों में लिख दिया है।
आगे कहा गया है वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां शिक्षा पर कोई रोक टोक ना होती हो, तो आप लिख सकते हैं नॉलेज, नॉलेज और एजुकेशन, नॉलेज और एजुकेशन शुड वी शुड बी अवेलेबल अवेलेबल टू ऑल। नॉलेज और एजुकेशन यानी ज्ञान और शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। अब फ्रेंड्स उपलब्ध होने चाहिए अर्थात प्रत्येक, आगे आप लिख सकते हैं इसी लाइन को, यानी कि प्रत्येक शिक्षा प्राप्त करने में स्वतंत्र होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं एवरीबॉडी, एवरीबॉडी या एवरीवन, एवरीबॉडी या एवरीवन शुड बी फ्री, स्वतंत्र होना चाहिए इन गेटिंग, इन गेटिंग, इन गेटिंग यानी प्राप्त करने में नॉलेज यानी कि शिक्षा को या ज्ञान को। तो एवरीबॉडी शुड बी फ्री इन गेटिंग नॉलेज यानी प्रत्येक ज्ञान को प्राप्त करने में स्वतंत्र होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप इसमें एक और सेंटेंस आगे बढ़ा सकते हैं कि शिक्षा सभी के लिए, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी के लिए होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं वेदर, वेदर ही इज रिच और आप चाहे तो ही इज पुअर, लेकिन मैं पुअर ही लिख देता हूँ पुअर। तो वेदर ही इज रिच, भले ही या चाहे वह धनी हो अथवा गरीब हो। और आगे लिख सकते हैं कि प्रत्येक लोग अपनी तर्क शक्ति को प्रयोग करने में स्वतंत्र भी होने चाहिए। तो आप यही लिख सकते हैं एवरीबॉडी, एवरीबॉडी शुड आल्सो वी यानी प्रत्येक होना चाहिए फ्री यानी कि स्वतंत्र इन यूजिंग, इन यूजिंग हिज रीजनिंग पावर यानी प्रत्येक अपनी तर्क शक्ति को प्रयोग करने में भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका अगली लाइन कहा गया है वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इन टू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक बॉर्डर्स, जहां यह भारत देश जात धर्म रंग रूप भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना होता हो। तो आप लिख सकते हैं यानी कि सोसाइटी, सोसाइटी यानी कि समाज बटा नहीं होना चाहिए। तो शुड नॉट वी, शुड नॉट बी डिवाइडेड, 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 डिवाइडेड इनटू स्मॉल, स्मॉल सेक्शंस, सेक्शंस। सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्शंस यानी कि समाज छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ यानी के आधार पर, अब के आधार पर जैसे रिलीजियन, रिलीजियन, कास्ट यानी जाति, कलर यानी कि रंग एंड लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, कलर एंड लैंग्वेज यानी समाज धर्म जाति रंग और भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं होना चाहिए। चाहे तो फ्रेंड्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।